नमस्कार, स्वागत है आपका आपकी बात के अंदर। उत्तराखंड के विकास की जब हम बात करते हैं तो 14 साल के बाद भी वो सब स्थिति दिखाई देती है कि जहां से चलना शुरू किया था वहां अभी तक खड़े हैं। और अगर हम पिछले 2.5 साल की कांग्रेस सरकार को देखते हैं तो मुख्यमंत्री बदलना हो, उसके बाद हरीश रावत का ना हो, कई बार विकास की दुहाई दी गई और कई बार कहा गया कि हम विकास के पथ पर चल रहे हैं और हम काफ़ी डेवलपमेंट भी कर रहे हैं, लेकिन स्थिति यह है कि अभी कुछ दिनों पहले जब हम 14वीं वर्षगांठ मना रहे थे तो उसके बाद भी स्थिति को ज़्यादा अच्छी नहीं दिखाई देती। और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं श्रम सेवा योजन मंत्री हरीश चंद दुर्गापाल जी। दुर्गापाल जी, स्वागत है आपका आपकी बात में। जी थैंक यू, धन्यवाद जी। दुर्गापाल जी, क्या देखते हैं 14 साल के बाद उत्तराखंड, देखिए विकास के रास्ते 14 साल निश्चित रूप से उत्तराखंड बने हुए हो गए और छोटा राज्य है, बहुत अपेक्षाएं इस प्रदेश की महान जनता को हैं कि विकास के कार्य तेज गति से होने चाहिए। और मेरा ये मानना है कि यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया में काम बहुत कुछ हुआ है, छिटकुल के माध्यम से यहाँ सेलाकुई से लेकर भगवानपुर से लेकर और हरिद्वार से लेकर रुद्रपुर सितारगंज में जहाँ एक और बड़े उद्योग लगे हैं, छोटे भी लगे हैं, वहीं सरकार ने अभी माननीय वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो सरकार ने, उन्होंने इसको पर्वतीय जनपदों के लिए और तेज़ी से काम करने, उसमें पैनापन जो दिया है, ज़्यादा सुविधाएं जो दी हैं, मैं निश्चित रूप से मानता हूँ कि आज हमारे युवा उसकी ओर आकर्षित होंगे और उसका लाभ लेंगे, क्योंकि रोज़गार एक गंभीर विषय है। बेरोजगारी आज पूरे और ओवर भारत ही नहीं, पूरे विश्व में भी बेरोजगारी का विषय है। अब आप इस समय जो स्थिति है कि भारत सरकार भी कह रही है कि स्वरोजगार अपनाइए, तो स्टेट गवर्नमेंट भी लगातार, मैं तो स्वयं इस बात को अपने यहाँ भी मैं जब जाता हूँ अपने विभाग में कैसे देखते हो, अगर हम श्रम मंत्रालय की बात करते हैं, आपके सेवा योजना की बात करते हैं, तो आपने शुरुआत करी बेरोजगारी भत्ता देने की, बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं क्या? हाँ, तो उसकी जो आपने शुरुआत करी बेरोजगारी भत्ता, उससे पहले उत्तराखंड में नहीं दिया जाता था, उस कदम को कैसे देखते हैं? नहीं तो दे रहे हैं, उसमें क्या बात? अब तो नहीं, सवाल ही है ना इसके ऊपर, जिस तरह से विपक्ष आवाज उठाती है कि लोगों से लोगों के हाथ बांध दिए हैं। जी साहब, विपक्ष का काम आरोप लगाने का है, लेकिन हम भत्ता दे रहे हैं। अभी पंजीकरण भी हम ऑनलाइन करने जा रहे हैं ताकि हमारे युवा को परेशानी न हो, तो वो सिस्टम भी हम कर रहे हैं, लेकिन किसी काम को करने में समय लगता है। एक योजना की शुरुआत की है तो ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ नहीं किया, हज़ारों युवाओं को हमने ये 100 कौशल रोज़गार भत्ता दिया है और पंजीकरण कराया है और करोड़ों की धनराशि दे रखी है, और जैसे जैसे पात्रता की सूची में जो आते हैं उनको हम देते हैं पैसा, और वो बैंक खाते में जाता है पैसा सीधे डायरेक्ट, खाते खुलवा रखे हैं उनके और उनको बैंक पैसा देते हैं। अभी ऑनलाइन व्यवस्था भी कर रहे हैं ताकि पंजीकरण में दूरस्थ क्षेत्रों में, विशेष रूप से पहाड़ी जनपदों में बड़ी दिक्कत है पंजीकरण में, तो वहाँ भी हम पूरा ऑनलाइन करने की व्यवस्था कर रहे हैं ताकि हमारे बच्चों को कोई किसी प्रकार की परेशानी न हो। विपक्ष कहता है कि अगर रोजगार देते तो ज्यादा अच्छा था, बेरोजगारी भत्ता का क्या मतलब बैठता है, रोजगार देते तो ज्यादा अच्छा था। ये देखिए, रोजगार नहीं दे सकी कांग्रेस सरकार। रोजगार मैंने पहले बोला, ये हिंदुस्तान जब आजाद हुआ आबादी थी 24 करोड़ की, आज कितनी हो गई? 1 अरब 24 करोड़। तो जमीन तो वही है, स्कूल कितने थे नहीं, आज कितने विद्यालय हो गए? भाई कितने विद्यालय हो गए, महाविद्यालय हो गए, ITI हो गए, पॉलिटेक्निक हो गए और तकनीकी शिक्षा के और हो गए, तो सब जगह से निकल रहे हैं बच्चे। तो आज बेरोजगारी एक गंभीर समस्या है, कोई उत्तराखंड की नहीं है, ये पूरे देश की है। इसलिए आज ये आह्वान हो रहा है कि स्वरोजगार करिए। आप जो कह रहे हैं कि बेरोजगारी भत्ता के बजाय रोजगार देते, वो भत्ता नहीं है, वो तो कौशल को बढ़ाने के लिए, ताकि बच्चे को थोड़ी बहुत हम रिलीफ दें अपने बच्चों को, और वो दौड़ भाग करके इधर उधर जाएँ। और जैसा मैंने कहा कि छोटे उद्योगों के क्षेत्र में अभी लेटेस्ट गवर्नमेंट ने जो निर्णय लिया है, MSME सेक्टर में बहुत ही लाभकारी योजनाएं चलाने का, साथ ही साथ 40% सब्सिडी
30% सब्सिडी, ब्याज उपादान और ट्रांसपोर्ट में सब्सिडी, बिजली में 5 साल तक छूट, वैट में छूट, ये सारी सुविधाएं गवर्नमेंट अपने बच्चों को देने जा रही। और अभी हमने ये निर्णय भी लिया है कि पूरे उत्तराखंड में हम कम से कम 1000 बच्चों को तैयार करेंगे स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से, चाहे वो ITI के हों, चाहे पॉलिटेक्निक के हों, चाहे वैसे सामान्य शिक्षा के हों, ताकि वो रोजगार स्वरोजगार के लिए आगे आएँ। और लेटेस्ट अभी एक टारगेट फिक्स किया है मैंने, पूरे GMDIC उत्तराखंड के जितने भी अधिकारी सबको बुला के एक बैठक दी है, उसमें निर्देश दिया, टारगेट लक्ष्य भी निश्चित किया है कि 500 लोग युवाओं को हम इस 14-15 में रोजगार देने का बिल्कुल प्रयास करेंगे। कितने लोगों को? 500 युवाओं को। हाँ, तो भाई देखिए माहौल बनाने की आवश्यकता है, स्वरोजगार का माहौल। हम तो चाहते हैं कि कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, सूक्ष्म उद्योग, शिल्प उद्योग, हथकरघा उद्योग, ये ऐसे उद्योग हैं, ये बहुत कुछ रोजगार को रोजगार देने में मदद कर सकते हैं। अभी आप देखा होगा आपने यहाँ परेड ग्राउंड में लगा है स्टॉल, लगे हैं सबसे ज़्यादा उत्तराखंड के, सबसे ज़्यादा स्टॉल 50-60 से ऊपर उत्तराखंड के। तो उत्तराखंड के स्टॉल जब लग रहे हैं तो इसका मतलब है कि उत्तराखंड में सब कुछ हो रहा है, कॉलेज बनने। इसकी चिंता तो आपको बताओ शर्म मंत्री होती होगी कि उत्तराखंड के युवाओं को पलायन करना पड़ता है, जब उत्तराखंड में रोजगार नहीं मिलता, पहाड़ में रोजगार नहीं मिलता तो मैदान में आते हैं, देहरादून हरिद्वार में रोजगार नहीं मिलता तो दिल्ली का रुख करते हैं, मुंबई का रुख करते हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ, ये इसी के निदान के तो ये देरी कहाँ से है? ये जो सब रोजगार की स्कीम आपने बताई है, इसमें कहाँ से देरी हो रही है, फिर देरी क्यों है फिर इसमें? नहीं देरी नहीं, अभी तो लेटेस्ट ये बनाया है, ये तो पॉलिसी अभी लेटेस्ट बनाई है, अभी लगभग 1 महीना हुआ है कि कैबिनेट में ओके होने के बाद अब ये बिल्कुल सारे जनपदों में जा रही है। तो अब हम विभिन्न जनपदों में कैंप लगा करके भी लोगों को बताएंगे कि योजनाएँ आपके लिए हैं, तो आप आ रहे हैं लोग, ऐसा बात नहीं, काम नहीं कर रहे हैं। खादी ग्रामोद्योग में 5 लाख की योजना है ब्याज उपादान, 25 लाख की योजना है जिसमें हम 8.5 लाख रुपया महिलाओं को अनुदान देते हैं, 7.5 लाख रुपया पुरुषों को देते हैं, एडवांस अनुदान देते हैं। और PMGCP प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंदर देते हैं। ये योजनाएं ऐसी नहीं कि लक्ष्य पूरे हो रहे हैं, ज़्यादा अर्जियाँ आ रही हैं। नहीं तो ये भी तो कहता है विपक्ष के मंत्री जी, जो खादी ग्राम उद्योग मंत्री हैं हरीश चंद्र दुर्गापाल जी, खुद तो खादी पहनते लेकिन खादी के लिए कोई ज़्यादा नहीं कर पाए 2.5 साल के अंदर भी, खुद तो खादी पहनते हुए दिखाई देते हैं। खादी की बात तो कह रहा हूँ जी, खादी ग्राम उद्योग 2 चैप्टर हैं, खादी ग्राम उद्योग के अंतर्गत हमारे जितने भी लक्ष्य हैं वो 100% पूरे हो रहे हैं। मैंने कई ऐसे छोटी इंडस्ट्रियाँ जो 5 लाख की हैं, जो 2 लाख की हैं, कुटीर उद्योग, उनको खुद जाके देखा है तो लोग प्रसन्न हैं, कह रहे हैं हमारी मार्केटिंग हो रही है। अभी यहाँ पर देखा मैंने देहरादून में वो 5 लाख यूनिट लगा रखी, उन्होंने सोयाबीन का दूध निकाल रहे हैं, खुश हैं, बहुत बढ़िया, कह रहे हैं इतनी बिक्री हो रही, इतनी डिमांड है, कोई दिक्कत नहीं। बहुत BTEC बच्चे दो के दो उनके पढ़े लिखे हैं तो वो काम कर रहे हैं, रिटायर्ड अधिकारी हैं उनके दो बच्चे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा हो रहा है। ऐसा नहीं कि नहीं हो। नहीं, सवाल यही कि बेरोजगारी की सबसे ज़्यादा फाइलें आपके सामने आती होंगी, क्या वजह मानते हैं कि उत्तराखंड के अंदर रोजगार की सबसे ज़्यादा कमी है और जो उत्तराखंड की जवानी उत्तराखंड के काम नहीं आ पाती, लोग पलायन करते हैं, युवा जाते हैं छोड़कर? उत्तराखंड की जवानी, उत्तराखंड का पानी, निश्चित रूप से जवानों ये काम आएगा क्योंकि उत्तराखंड को बनाने में हमारे युवाओं ने नहीं, समस्या कहाँ देखते हैं, मुश्किल कहाँ आती है, मुश्किल कहाँ पर है, मुश्किल कहाँ पर है, क्यों नहीं युवा रुक पाते पहाड़ के अंदर? देखिए हर कोई भी काम करने के लिए माहौल तैयार करना पड़ता है, वातावरण तैयार करना पड़ता है। तो वातावरण अभी लेटेस्ट हमने जो कुछ किया है उसको हम आम जन तक पहुंचाएंगे, युवाओं तक पहुंचाएंगे जनपद वाइज, तो लोग आगे आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। तो आधा तो समय बीत चुका है सरकार का, आधे से ज़्यादा समय बीत चुका है सरकार का, अब आधे से कम बचा है उसमें भी अब करोगे तो कब करोगे? आधे से पहले कुछ पिछले 5 सालों में मैं कहूँगा कुछ हुआ नहीं, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं। भाजपा की सरकार में मैं किसी सरकार का नाम नहीं ले रहा हूँ, कुछ काम नहीं हुआ। तो अभी देखिए, अब आपने अभी प्रश्न उठाया कि मुख्यमंत्री बदलना ये करना, ये तो हाईकमान का काम है, इस बारे में जाना कहना नहीं चाहता हूँ। लेकिन मुझे अब वर्तमान में हम इतने बिजी रहते हैं, काम करते हैं दिन रात। मैंने अपनी MSME सेक्टर की बात आपको बताई,
और लेबर में भी, मैं बताऊँ आपको, श्रम विभाग में अभी हमने दो हॉस्पिटल हमारे बनने जा रहे हैं, 100 बेड का, एक रुद्रपुर में, एक हरिद्वार में, इधर तल्ला नगल में रेडियो डायग्नोस्टिक डिस्पेंसरी बन रही है, एक यहाँ शैलागुई में, जिसका भूमि की व्यवस्था हमने कर दी है, रजिस्ट्री कर दी है, सारे काम उसके पूरे हो गए हैं। अब ई एस आई सी जो कॉरपोरेशन भारत सरकार है, उससे बजट, उसने अपनी कार्यदायी संस्था भी तय कर दी CPWD, तो उसमें काम जल्दी शुरू हो जाएगा, तो एक बड़ी भारी उपलब्धि है। और इसके साथ ही साथ अभी मैंने एक कैंप लगवाया था यहाँ, 550 मजदूरों को, देखिए मजदूर मजदूर का पैसा है, हमारा भवन सन्निर्माण कर्मकार बोर्ड है, बोर्ड के पास पैसा पर्याप्त है। तो मैंने देखा, जब मैं मुझे एज ए लेबर मिनिस्टर मुझे काम करने का मौका, पिछली सरकार ने एक व्यक्ति को उसका लाभ पहुंचाया था, तो मैंने शुरुआत की है। अभी हर जनपद में पंजीकरण तेज़ी से होना चाहिए, लक्ष्य निर्धारित कर रखे हैं, और हमने नियमावली में संशोधन करके स्थिरता बढ़ती है कि जो एक साल की अवधि उसको 3 महीने कर दिया, पात्रता की सूची में जो आएंगे उनको हम ये सुविधाएं देंगे। मंत्री जी, आपने एक चीज़ और भी थी इसके अंदर, अगर हम आज देखते हैं, उसमें पात्रता की सूची में आने के बाद इस कैटेगरी के जितने मजदूर हैं उनको हम विवाह के लिए 51,000 रुपया, और आकस्मिक दुर्घटना में 1,00,000 रुपया, सामान्य दुर्घटना में 50,000 रुपया, और उनको टूल किट अलग से देते हैं, उनको शिक्षा के लिए, चाहे माध्यमिक हो चाहे उच्च हो, तकनीकी शिक्षा हो, उसके लिए स्कॉलरशिप देते हैं। तो यह अभी मैंने विशाल कैंप लगवाया था, 550 मजदूर माननीय मुख्यमंत्री भी आए थे, तो उसका हमने निश्चित रूप से अब एक बहुत बड़ा कैंप जिसमें 1,000 से ऊपर होंगे यहाँ लगाएंगे, नैनीताल जिले में लालकुआ लग जाए, कहीं भी लगेगा। तो प्रत्येक जनपद पे टारगेट फिक्स कर दिए, पैसे की कोई कमी नहीं है, बजट की कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, सवाल बजट का नहीं है, सवाल आप आज जिस आप मजदूर की बात कर रहे हैं, मजदूरों की, आज मजदूर, आपने सिटकुल की बात की थी कि सिटकुल उत्तराखंड के अंदर लगे, कई सारी कंपनीज आई, आज वहाँ पर इतनी ठेकेदारी प्रथा लागू है कि बार बार मजदूर अपना सर पकड़ कर बैठे। ठेकेदारी प्रथा, उस ठेकेदारी प्रथा को खत्म करने के लिए क्या किया जयदी साहब? ठेकेदारी प्रथा ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ही है, ये कोई स्टेट नई प्रथा नहीं चलाई है। हमने तो यहाँ तक कहा कि हम अपना मजदूर का पैसा चेक के माध्यम से देंगे, स्टेट गवर्नमेंट ने कर दिया भी भारत सरकार में, जब तक ओके नहीं होगा वो नहीं होगा। हम तो इसके लिए न्यूनतम मजदूरी हमने तय की पहले, न्यूनतम मजदूरी पिछली सरकार ने डिसाइड की नहीं, अब मैंने लेटेस्ट जब मुझे मौका मिला काम करने का, न्यूनतम मिनिमम वेजेस की कार्रवाई मैंने की, वेजेस मिल रहे हैं और कहीं ज़्यादा मिल रहे हैं, लेकिन न्यूनतम मिल रहा है। और न्यूनतम मिलना है तो कई बार ठेकेदारी प्रथा, आप ये जो आप कंपनी सिटकुल की आप बात कर रहे हो, वहाँ पर मजदूर उत्तराखंड के कितने हैं, परसेंटेज उनकी कितनी कम है, उसके बाद बाहर से मजदूर आते हैं, तो उत्तराखंड के लोग कहाँ जाएं? परसेंटेज का मामला है, उद्योग विभाग का जियो है, ऐसा है, कहीं कम भी हो सकते हैं, कहीं ज़्यादा भी हो सकते हैं, ये ऐसा नहीं है कि नहीं। सवाल ये है कि वो अधिकार क्षेत्र में नहीं है आपके, आप श्रम विभाग हो या फिर सरकार हो, वो जो कंपनी है अपनी मनमानी करती हैं, जो आपने प्राइवेट कंपनी स्कूल में, उनके ऊपर जो कंट्रोल होना चाहिए था वो शायद देखने को नहीं मिलता। नहीं, उसके लिए तो उसको दिख पा रहे हैं कि स्थानीय लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए और मिल रहा है, और कहीं देखिए उसके लिए एक सिस्टम है, सिस्टम है, कहीं पर न्यूनतम मजदूरी नहीं दी जा रही है तो उसका निरीक्षण होता है, उसके खिलाफ कार्रवाई होती है, और कहीं पर और भी अनियमितताएँ पाई गई तो वो होता है, कहीं अगर लोगों की समस्याएँ हैं तो उसके लिए बातचीत के माध्यम से काम आगे बढ़ता है, नहीं होता है तो श्रम न्यायालय को भेजा जाता है। तो ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं होता, तो काम एक सिस्टम के अंतर्गत होगा। नहीं तो सिस्टम के अंदर ही, खैर छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रखेंगे। स्वागत है ब्रेक के बाद, और मेरे साथ मौजूद है श्रम मंत्री हरीश दुर्गापाल जी। दुर्गापाल जी, आपने कहा कि सिस्टम के अंदर कहीं ना कहीं कमी हो, सिस्टम को सुधारने की कोशिश की जा रही है, अगर हम सिटकुल के अंदर कंपनी की बात देखते हैं, लेकिन सवाल ये भी है कि अगर आज हम PDF की बात करते हैं तो हरीश रावत और विजय बहुने कार्यकाल के अंदर PDF के ऊपर किस तरह का प्रेशर रहा, PDF के साथ ही अलग अलग बयान देते हैं, कभी अलग अलग
चलते हैं, कभी विजय मोहन जी के साथ देते, कभी बीडीएफ, तो उस लोगों का हमारा एक संगठन है और संकट की घड़ी में पीजीएफ ने ही सरकार को समर्थन दिया और सरकार के साथ इस तरह का सामंजस्य किया जिससे विकास की गति तेज हो, जो उत्तराखंड की महान जनता ने मैंडेट दिया है वो डेवलपमेंट के लिए दिया है, चाहे पीडीएफ के लोग हों चाहे कांग्रेस के लोग हों। तो विकास आज निशाने पर तो पीडीएफ वाले हैं, आज 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 आपके आज जो आज कांग्रेसियों के निशाने पर हैं वो सब पीडीएफ वाले होते हैं। कभी हरिशन दुर्गापाल जी को टारगेट करते हैं, कभी मंत्री प्रसाद नथानी को टारगेट करते हैं, ऐसा कभी प्रीतम पवार को टारगेट करते हैं, कभी सरबत करी मंसारी को टारगेट करते हैं। तो आज अगर आज वो अगर 35 हो गए हैं उपचुनाव के अंदर, तो आपकी भी तो योग्यता, आपके आपका भी तो वो पुरानी दोस्ती, पुराना सब कुछ है। ऐसा कोई टारगेट का प्रश्न नहीं है, लेकिन उनके दिमाग में सब क्या है कि इन्होंने संकट की घड़ी में हमको साथ दिया। किसके दिमाग में? हरीश रावत जी के अलावा किसी के दिमाग में नहीं है? हरी राव जी, चलिए आपने एक बात तो कही, कम से कम स्वयं कह रहे हैं आप। हाँ, हरीश रावत जी के अलावा कोई कांग्रेसी मंत्री साथ नहीं देते। इस बात को जो मैंने कहनी चाहिए थी आप कह रहे हैं, तो इससे बढ़िया बात एक हरीश रावत जी हैं जो आपके साथ खड़े हैं आज, इसके अलावा आप बता दीजिए एक भी मंत्री आपका कांग्रेस का आपके साथ खड़ा हो। हमने तो सहयोगी किया है, हम तो एक बार बता रहे हैं आपको ना, हमने असहयोग कहीं नहीं किया, सहयोग किया, कई तरह की बातें भी जब पैदा हुई नहीं, फिर भी हमने कांग्रेस को ही मदद की, क्योंकि इसलिए कि कांग्रेस निश्चित रूप से, देखिए जैदी साहब, डेवलपमेंट का खाका आप देखेंगे तो आप अगर तुलना करेंगे तो आपको कांग्रेस के समय ही काम ज़्यादा देखने को धरातल में मिलेंगे, हर क्षेत्र में मिलेंगे। आप कंपेरिजन कर लीजिए कहीं जा कर के, तो इतना डेवलपमेंट जो हुआ है, ठीक है जब विकास होता तो थोड़ी कमियां भी होती हैं, दिक्कतें भी होती हैं, परेशानियां भी होती हैं, उलझनें भी होती हैं, क्योंकि अब कई जगह फॉरेस्ट से क्लियर होने में उलझन है, सड़कें नहीं बन पा रही हैं, कहीं अस्पताल नहीं बन पा रहे हैं। नहीं, कांग्रेस ने अगर काम किया तो, अगर हम हरीश दुर्गापाल जी की बात करते हैं तो बहुत पुराने कांग्रेसी रहे हैं, बहुत लंबा अनुभव है कांग्रेस की विचारधारा को अपनाए हुए। जब टिकट कटा था लाल कुआ से, कांग्रेस की सीट से टिकट नहीं, जब टिकट नहीं मिला था कांग्रेस की सीट से लाल कुआ, तो मन में कहीं ना कहीं थोड़ा सा तीस तो होगी उसको। वो बात जो हो गई वो बीती बात बिसारिए, आगे की सुध ले। कहीं ना कहीं तीस तो रही होगी कि इतना पुराने कांग्रेसी का टिकट जो हो गया तो उसको क्या दोहराना। अब तो एक नई सोच लेकर के जोश खरोश के साथ जनता की सेवा के लिए काम करना है, अब जो हो गया तो हो गया। दुर्गापाल जी, अगर हम उस वक्त की बात करते हैं विधानसभा चुनाव 2012 की, तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं था भाजपा में और कांग्रेस में। उस वक्त जो मन था, जो निर्दलीय विधायक थे, उसके बाद आप लोगों ने पीडीएफ बनाई आपस में मिलकर, मंत्री प्रसाद नथानी हो या फिर हरिचंद दुर्गापाल हो या फिर दिनेश जने हो, कांग्रेस ही रहे हैं, कांग्रेस की विचारधारा के लोग। उसके बाद आपको समर्थन देना पड़ा कांग्रेस की सरकार को, तो वो कांग्रेस की सरकार जो आपका टिकट काट रही है वो कांग्रेसी, उन्हें आप समर्थन दे रहे हो, तो उस वक्त क्या फीलिंग थी आपकी? ठीक है, वो तो देखो ऐसा है ना, प्रदेश की जनता की जो डिमांड है वो है डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट हम सब लोगों के दिमाग में है। और मैंने पहले भी कहा अभी आपसे कि कांग्रेस आज बहुत कुछ कांग्रेस ने दिया है, ऐसी बात नहीं है, कांग्रेस सरकार काम करती है उसमें दो राय नहीं, और जब काम होता है तो परेशानियां भी आती हैं, काम होता है तो कमियां भी आती हैं। अब काम हुआ है, काम बहुत हुआ, हरीश रावत जी ने भी बहुत तेज़ी से काम किया है, इससे पहले बहुगुणा जी ने काम किया, इससे पहले एनडी तिवारी जी ने काम किया, हम तो उनके भी बहुत आभारी हैं। काम सब ने अपने, लेकिन थोड़ा काम करने का तरीका सबका अलग अलग होता है, तो उसमें और पैनापन गवर्नमेंट ने, तरीका किसका अच्छा लगा आपको? पैनापन सरकार आपको ने किसका तरीका अच्छा लगा? दुर्गापाल जी को किसका तरीका अच्छा लगा? हरीश रावत, विजय बहुगुणा? हमें तो अच्छा लग रहा, हम तो काम करने वाले व्यक्ति हैं, जनता के बीच में जाने वाले व्यक्ति हैं, योजनाएं धरातल पर पहुँचाने वाले व्यक्ति हैं, तो उसमें हम काम कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरा उसमें सहयोग है। और आने वाला वर्ष 2015 निश्चित रूप से बहुत विकास की आगे बढ़ाएगा, ऐसा मेरा मानना है। ये अभी मैं बताऊँ आपको,
रीडेवलपमेंट में भी एक 3 साल का प्रोजेक्ट हमने मंजूर किया है, गंगा गाय महिला योजना, जिसमें हम लगभग 5,000 महिलाओं को रोज़गार देंगे। उसमें रोज़गार हम 3/4 अनुदान देंगे, लगभग 41,000 रुपया अनुदान देंगे, 20,000 रुपया बैंक से मिलेगा। तो एक अच्छी गाय नस्ल, देखिए सबसे गंभीर समस्या है रोज़गार की। अब रोज़गार के लिए चाहे डेयरी डेवलपमेंट हो, चाहे एमएसएमई हो, चाहे खादी ग्राम उद्योग हो, ये विभाग भी ऐसे हैं जो रोज़गार को बढ़ाने में बढ़ावा दे सकते हैं। अभी मैं गया था भारत दिल्ली में, भारत सरकार ने माननीय मंत्री जी ने बुलाया था, तो भारत सरकार का भी चिंतन यही है। आज स्वरोजगार को जब तक हम बढ़ावा नहीं देंगे, तब तक हम बेरोजगारी पे जो प्रश्न चिन्ह आप लगा रहे हैं उसका समाधान नहीं कर सकते हैं। दुर्गापाल जी, एक चीज़ और है, आप विजय भवन जी के कार्यकाल में भी रहे, उसके बाद हरीश रावत जी के कार्यकाल में, बार बार एक बात सामने आती कि हरीश रावत जी ने बड़ी तेज़ी से विकास किया, आपने भी इस बात को कहा। विजय भवन जी के कार्यकाल में क्या विकास नहीं हुआ उस वक्त क्या था? हम मना क्या कर रहे हैं? हम तो मना नहीं कर रहे हैं। नहीं, अगर हम दोनों कंपेरिजन करते हैं तो वो 2 साल का कार्यकाल कैसे देखते हैं? उनका कार्यकाल भी विकास का ही रहा है, और राव जी ने और उसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया बहुत तेज़ी के साथ। बिल्कुल, इतना दौरा कर रहे हैं, घूम रहे हैं, बैठक कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं, हर जनपद में जा रहे हैं, तो अच्छी बात है। और सबको, सबकी ड्यूटी लगी है, अधिकारियों की भी लगी है, हम लोगों की भी लगी है काम करने के लिए। जब मुख्यमंत्री बदलने की बात आई थी, हरिश्चंद्र दुर्गापाल जी, हरीश रावत जी से, जब मुख्यमंत्री बदलने की बात आई थी विजय भवना जी के बाद, हरीश रावत जी की बात आई थी, तो हरिश्चंद्र दुर्गापाल जी सबसे ज्यादा नाराज थे। नहीं, सवाल ये था, दुर्गापाल जी उस वक्त नाराज थे और कहा जाता था कि टिकट काटने भी दुर्गापाल जी के हरीश रावत जी का हाथ रहा है। साहब ये छोड़िए इस बात को, हमने उस समय भी कहा कि हम कांग्रेस जिसको भी तय करेगी उसको हम अपना सहयोग करेंगे। तो हाईकमान ने जो तय किया उसमें हमने सहयोग किया। अब टिकट काटने वाली बात तो जो कट गया, कट के बाद जनता ने टिकट दे दिया, जनता ने टिकट दे दिया निर्दलीय सबके भी। तो ये तो वो, ये भी तो वो पहलू है ना कि आपको उसी पार्टी को समर्थन देना पड़ा। सबसे बड़ी जनता होती है, तो जनता ने हमको टिकट दे दिया। मैं तो उस जनता को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ पहुँचाया। आज मैं इस पद पर हूँ तो मैं 9,000 वोट से इंडिपेंडेंट जीता हूँ, कांग्रेस से पहले जीता था 520 वोट से। तो जनता महान होती है, जनता का निर्णय ऐतिहासिक होता है। मैं जनता को, महान जनता को प्रणाम करता हूँ। आगे का क्या मन है? आगे का क्या मन है कांग्रेस को लेकर? महान जनता को प्रणाम, जनता जैसा आदेश करेगी। देखिए जनता, जनता जनार्दन, हम कहते हैं जनता जनार्दन, जनता जनता में सभी आगे। और मैं अब वो क्षण आपको बता नहीं सकता हूँ, मैंने कई ऐसे अवसर देखे हैं जी। जब जनसैलाब आता है, महिलाएं आती हैं और बहुत अच्छा एक मैसेज निश्चित रूप से उस जनप्रतिनिधि के लिए भी होता है और जनता के लिए भी होता है कि सब आगे आ रहे हैं विकास के लिए एकमुश्त मन बना करके, तो बड़ी अच्छी लगती बात। तो जनता पर सब कुछ है, जनता जो चाहेगी वो होगा। कांग्रेस में वापसी पर जो सिद्ध कर दिया, कांग्रेस में जो वापसी पर बात, मैं बता रहा हूँ आपको, कांग्रेस, हम तो कांग्रेस विचारधारा के लोग हैं ना। अब कुछ हमारे कार्यकर्ता सब कांग्रेस में वापस आ गए। अब कुछ टेक्निकल बात होती हैं तो ठीक है। अब मूल रूप से देखिए बताऊँ, कांग्रेस का जहाँ तक सवाल है, भी जितने चुनाव हुए सारे चुनाव में हम लोग गए तो थे जी। चाहे बहुगुणा जी का हुआ हो, चाहे माननीय मुखिया जी का हुआ हो जी, चाहे पार्लियामेंट का हुआ हो, चाहे जिला परिषद का हुआ हो, को कांग्रेस के झंडे के तले हम लोगों ने भाषण दिए कि कांग्रेस प्रत्याशी को जिताइए। हाँ, पीछे सोनिया गांधी, राहुल गांधी के तो नहीं कहा ना हमने, अन्य पार्टी को विजयी नहीं, वो तो पीडीएफ समर्थन दिए तो, राहुल गांधी के हाथ में दूध, यही तो कहा ना। वो तो जिम्मेदारी बनती है पीडीएफ जो समर्थन कर रही है सरकार को, कांग्रेस को, तो जिम्मेदारी का निर्वहन किया हमने, उसमें कोई कोर कसर नहीं रखी, निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ काम किया है और काम करेंगे। ये भी मैं आपसे कह रहा हूँ, काम किया है और काम करेंगे, कांग्रेस के साथ भी काम करेंगे, बिल्कुल अच्छे करेंगे, उसमें क्या दिक्कत है, कांग्रेस के झंडे के नीचे भी काम करेंगे। अब मैंने एक उदाहरण दिया आपको जी। ना, मैंने आपको एक उदाहरण दिया कि विभिन्न चुनावों में कांग्रेस का झंडा तो था, वो किसी और सपा का था,
नहीं मुझे बता दीजिए। नहीं वो तो आपको, वो तो मैंने उसका भी मैंने आपको जवाब दिया कि पीडीएफ के थे, तो पीडीएफ साथ है कांग्रेस के, तो उससे बात करेगी कांग्रेस की। लेकिन जैसे 35 से 36 करने के लिए सबसे पहले निशाने पर दुर्गापाल जी होते हैं। नहीं वो ठीक है, वो तो विचारधारा के हमारी कांग्रेस की है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। शुक्रिया दुर्गापाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मंत्री हरिश्चंद्र दुर्गापाल जी मेरे साथ मौजूद थे, और जिस विचारधारा की बात करें, अगर हम बात करते हैं, हरिश्चंद्र दुर्गापाल जी बहुत पुराने कांग्रेसी रहे, तिवारी जी के साथ साथ कभी कांग्रेस के अंदर ज्वाइन किए थे। वो दौर भी देखा है जब हेमती नंदन बहुगुणा के दौर की बात की जाती है, उसके बाद तिवारी जी का कार्यकाल यूपी के अंदर भी, वो सब दौर देखा है। उसके बाद अगर आज हम देखते हैं तो उस विचारधारा को आज ही पसंद करते हैं, और वही मन है कि कांग्रेस के अलावा कोई पार्टी जो नहीं की। लाल कुआं से जब टिकट कटा था तो उसके बाद निर्दलीय मैदान में उतरे थे और एक भारी बहुमत के साथ वहाँ से जीत हासिल की थी। उसके बाद सौभाग्य की बात है या फिर उसके एक उसकी किस्मत की बात है कि जिस कांग्रेस से टिकट कटा था उसे ही समर्थन देना पड़ा पीडीएफ के तौर पर। नमस्कार।